नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं खेल जगत की खबरों पर। आज से रियो ओलंपिक का आगाज। भारत के 118 एथलीट 15 खेलों में लेंगे हिस्सा। खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएंगे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य चुनी गई नीता अंबानी भारत से एंट्री करने वाली पहली महिला बनी। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन और फाउंडर हैं नीता अंबानी। रूस के 271 एथलीटों को रियो ओलंपिक में हिस्सा लेने की मिली अनुमति। 389 एथलीटों की टीम से 271 एथलीट लेंगे हिस्सा। डोपिंग मामले में अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ ने सभी रूसी एथलीटों पर लगाया था प्रतिबंध। पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली ने उठाए विराट कोहली की रणनीति पर सवाल। बोले, स्लो गेंदबाजों का अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए था। ड्रॉ मैच से टीम इंडिया के हाथों से फिसली थी जीत। बर्मिंगम टेस्ट में समी असलम और अजहर अली की बदौलत पाकिस्तान मजबूत। 3 विकेट के नुकसान पर पाकिस्तान ने बनाए 257 रन। इंग्लैंड ने पहली पारी में बनाए थे 297 रन। ये तो हुई खेल जगत की खबरें। खबरें और भी हैं, देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।